तो हेलो एवरीवन और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज संडे का दिन है और संडे का दिन करोल बाग में इतनी चहल पहल ना हो तो ये समझ लेना कि भाई मार्केट में या तो सन्नाटा छाया हुआ है या फिर काम ही नहीं है। तो संडे को ऐसा होता नहीं है। बेसिकली करोल बाग की छुट्टी होती है मंडे को और संडे को यहाँ पे हर गाड़ी ऐसे खुल जाती है। मतलब जो भी अपनी गाड़ी को बेस से टॉप बनाना चाहता है वो करोल बाग की तरफ अपना रास्ता मोड़ लेता है भाई। जैसे कि ये है आपके सामने, ये है किया कारेंसी, इसका प्रेस्टीज वेरिएंट है और अभी करोल बाग में ही हूँ मैं। तो ये अपना ऑलमोस्ट लगा लो बेस से टॉप ही हो रही है। वैसे तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, बट इसके अंदर जो नीड्स थी कस्टमर को कि भाई मुझे ये चीज़ें पर्सनली करानी है तो वो चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि इसके अंदर एमिड लाइट है, मून लाइट है, डैम्पिंग वगैरह है, मैट वगैरह है, पीछे रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, गार्ड वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं और सीट्स कवर वगैरह भी होंगे। तो ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से खुल चुकी है। स्टेयरिंग वगैरह पे भी काम होएगा, मतलब कि रैपिंग वगैरह जो होनी है वो भी होगी यहाँ पे। और ये एमिड लाइट आई थिंक फिक्स हो रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें पैनल बाय पैनल जा रही हैं। तो एंड में बताऊंगा वीडियो में कि क्या क्या प्राइसिंग इनकी पड़ती है आपको या फिर टोटल एक बजट क्या लेके आओ अगर आपको ये सारी चीज़ें करानी है तो। और अगर आप करोल बाग की तरफ आ रहे हो और ऐसी किसी गाड़ी पर आपको काम कराना है तो आ सकते हो यहाँ पे बैल कार एक्सेसरीज। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अभी इस गाड़ी के अंदर जो जो चीज़ें होने वाली हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। तो अभी आप देखना फिट एंड फिनिश कैसी रहने वाली है और कैसे कैसे काम होता है। तो धीरे धीरे टाइम लेस भी दिखाते रहेंगे और जो चीज़ असेंबल होती चली जाएगी उसको भी आपको दिखाते रहेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हो एमिन लाइट की स्ट्रिप यहाँ पे जा रही है नीचे की साइड, तो एमिन लाइट इसके अंदर फिक्स हो चुकी है। और ये लग रहे हैं भैया आप अपने आराम से कार्रवाई करने, सीटें खुल रही हैं अभी इनके ऊपर भी, मतलब वो चीज़ होनी है, सीट कवर वगैरह लगेंगे और नीचे मैटिंग वगैरह भी होगी। और डैम्पिंग वगैरह का रेट मैं पर्सनली जानना चाहूँगा कि डैम्पिंग वगैरह आप कराते हो तो क्या सीन रहता है। और ये देखो भाई, ये अगर किया के थ्रू है ना तो ये किया वाली है मेरे हिसाब से ना। तो ये देखो भाई, हम किया किया करते रहते हैं, किया अभी कम नहीं है किसी चीज़ से। तो ये देख सकते हो आप किस तरीके से पन्नी वगैरह चढ़ाई हुई है अगर ये किया की है तो। ये चीज़ें हैं और धीरे धीरे होने देते हैं काम। और ये आप देख सकते हो गाड़ी कंडीशन वगैरह ना ज़्यादा पुरानी है नहीं है क्योंकि अभी भैया ने जिसकी भी गाड़ी है टेपिंग वगैरह यहाँ से हटाई नहीं है। तो ये है अभी एमिन लाइट के कनेक्शन हो रहे हैं, दूसरी साइड से दिखाता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ। जैसे कि अलॉयज वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं पहले ही और ये डोर पैनल्स अपने लगने स्टार्ट हो चुके हैं। इनके अंदर एम्बिएंट लाइट लग चुकी है, ये आप देख सकते हो, ये देखो पास से तो हो चुकी है और ये फिटमेंट हो रही है बस इसकी। तो ये और अभी पीछे वाली सीटें खुल रही हैं, ये अभी टाइम लैप्स में आपने देख लिया होगा। तो ये निकलेंगी अभी, तो प्रॉपर आप देखते रहो क्योंकि ये प्रोसेस है। तो टाइम लैप्स में आपको दिखाऊंगा, ऐसे कर करके दिखाऊंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। तो होने दो एक काम को, वो अपना ऐड करता रहूंगा, बाकी सारी चीजों के टाइम लैप आपको दिखाते रहेंगे। तो एक चीज और बता दूं, इन सीटों को खोलने की जरूरत है नहीं यहाँ पे क्योंकि ऐसे फोल्ड हो जाती है पीछे की साइड, तो ये मैटिंग वगैरह जो होगी इसके नीचे वो यहीं से इजीली हो जाएगी, तो क्या फायदा सीट्स को निकालने का भी। तो अभी हो रही यहाँ पे नीचे की पूरी मैटिंग, तो देख लो किस तरीके का मटेरियल है, ये पूरा काट पीट के सेट किया हुआ, बस इसके ऊपर अभी इसको सही तरीके से स्टिक करना है अच्छे तरीके से ताकि ऐसे हिले उले नहीं और पैर वगैरह पड़े तो स्लिप वगैरह ना हो, तरीके से सारी चीज़ें जो इसकी फंक्शनिंग है उसको अच्छे तरीके से करे। तो अब इसका प्रोसेस चेकआउट करवा पूरा। तो एक लेटेस्ट अपडेट ये है भाई, अब इसके अंदर डैम्पिंग नहीं होने वाली है। जो मैं बोल रहा था कि पर्सनली मुझे चेकआउट करनी है वो नहीं होने वाली है, आप देख सकते हो सिर्फ एम मिन लाइन लग के डोर पैनल अपने यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस चल रहा है भाई नीचे फ्लोरिंग का, वो आप चेकआउट कर लेना बस। अभी टाइम लेस पे लगा देते हैं फ़ोन को दोबारा से एक बार। सो ये देख लो धीरे धीरे मैटिंग अपना रूप लेती जा रही है, एडजस्ट होती जा रही है। और एक चीज़ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बिल्कुल पर्टिकुलर इसी के हिसाब से, मतलब स्टिचिंग वगैरह इसके ऊपर की हुई है, मतलब जहाँ पे इसके लिए कुछ ऐसे हैं कि कहीं पे हुक्स वगैरह हैं, कहीं पे कपलर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड अपना कटिंग की हुई है। तो ये स्पेशल इसी के लिए पूरी स्टिच की हुई है। इसके जो आप देख रहे हो पोर्शन जो आपस में जॉइंट किए ये इसी के हिसाब से किए हुए हैं, कैरेंस के फ्लोर के हिसाब से।
तो ये चीज़ ठीक है आपको, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ के साथ कि भाई चलो काम चला लेते हैं। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ ये, मैं भी अगर खुलवाता तो भाई मेरी प्रेफरेंस यही रहती कि भाई डेडिकेटेड इसी की हो ना कि किसी और की। तो इस चीज़ में मैं ये चीज़ कह सकता हूँ भाई ये चीज़ बढ़िया। तो ये है पूरी और अभी होने वाली है, आगे से तो हो ही गई है, पीछे बस एडजस्ट करनी है ये। तो ये भी दिखाते हैं आपको, और धीरे धीरे रूप ले रही है गाड़ी अपना। और अभी स्टेयरिंग को और देखते हैं, स्टेयरिंग कहाँ पे भाई उसके तो होते पता ही नहीं है, उस पर काम क्या हो रहा है वो देखते हैं पहले अभी। सो ये इस गाड़ी का स्टेयरिंग आ चुका है जो कि गया हुआ था अपना रैपिंग के लिए। तो आप देख सकते हो GT लाइन जैसी यहाँ पे रैपिंग हुई है, मतलब कि अंदर साइड से रेड स्टिचिंग है, ऊपर से प्रॉपर लेदर वगैरह है। एयरबैग वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं छेड़ा गया है, वो जो डब्बा सा होता है ना वो अंदर ही रखा हुआ है वहाँ पे। तो नई गाड़ी है ऑलमोस्ट, तो ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं। और इन हैंड फील की अगर बात करें तो बिल्कुल लग नहीं रहा भाई आफ्टर मार्केट कराया, तो इसे एडजस्ट हो जाने देते हैं फिर दिखाते हैं फिट कैसी आती है और फिनिश कैसी आती है। अभी देखो आगे तो ये देख सकते हो आप, स्टेयरिंग व्हील अब हो चुका है बिल्कुल फिट एकदम बढ़िया। और भाई पर्सनली स्टिचिंग एक नंबर लगी भाई, मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ऐसे कि आफ्टर मार्केट कराई है, बिल्कुल रेड कलर का वो इस्तेमाल किया है जो मतलब होना चाहिए GT लाइन वाले स्टेयरिंग व्हील के ऊपर। बाकी कंट्रोल्स वगैरह आपको पता है ये बेस मोड से आते ही हैं, बाकी आप क्रूज कंट्रोल वगैरह लगवाना हो तो आपकी मर्जी है। बाकी लगता भरा भरा सा है स्टेयरिंग, तो किया की खासियत है और ये रैप हो गए तो और ज़्यादा मस्त लग रहा है। और यहाँ पर अपनी मैटिंग भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है पीछे से लेके आगे, तो बस एडजस्टमेंट्स बैठानी है धीरे धीरे। ये जो आप देख रहे हो चीज़ें ये अंदर की साइड कवर करनी है ताकि एक फिनिश जो अच्छी वाली निकल गए, तो एक्स्ट्रा पोर्शन जो है ऐसे काटे जा रहे हैं यहाँ पे, तो देख लो मेरे। तो वीडियो से हटके भी भाई अगर आप भी काम करवाने जा रहे हो या फिर कोई काम करता है बंदा वो देख रहा है, तो भाई प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि कस्टमर आपके पास आए तो सेटिस्फाइड होकर जाए, कि वो बंदे को पैसा जो है वो दुखे नहीं और काम तरीके से हो। तो यही है, आप भी करवाते हो तो आप भी इस चीज़ पे ध्यान दो, अपनी गाड़ी में काम कराते हो तो भाई देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, पैसा फूंक रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका हक बनता है। बाकी अभी तक सारी चीज़ें वेल एंड गुड जा रही हैं, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जा रही हैं और ज़्यादा टाइम भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। स्टेयरिंग आ चुका है, इमेंट लाइट लग चुकी है, मैटिंग हो चुकी है और बाकी सब ऐसे स्टिक करने वाले आइटम्स रह रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे हो ही जाएंगे। तो ये प्रोसेस भी काफ़ी सही लगा कि मतलब बंदे हैं जो सारे काम को धीरे धीरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आगे से जो एक चीज़ यहाँ पे चेंज होने वाली थी वो तो यहाँ पे हेडलैम्प्स में LED बल्ब, मतलब पहले यहाँ पे जो हेलोजन थे उनको हटा के LED कर दिया है, तो इसके अंदर ये यूनिट सेट हुई है अपनी, तो देख लेना ये हैं अपने LED बल्ब जो कि इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। अब इनका थ्रो वगैरह दिन में तो क्या दिखाएंगे, बट वो ये LED आपको पता है भाई ब्राइट तो होती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये है सारा सिस्टम इसके अंदर, तो ये चीज़ सेट हुई है और अभी धीरे धीरे गाड़ी अपना रूप ले रही है और तैयार होती जा रही है धीरे धीरे। मतलब डोर पैनल्स तो हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, नीचे मैटिंग वगैरह भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, स्टेयरिंग आ चुका है, सीट कवर्स रह जाते हैं बस वो और हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसी प्रोफाइल निकल के आती है, मज़ेदार और कितनी ही ज़्यादा मस्त लगती है। तो अभी यहाँ पे लगने वाली है LED अपनी, इसका प्लेट्स यहाँ पे, मतलब ऐसा कोई अलग से कुछ कटआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टिक वाली है सिंपल इनके पीछे से। ये देख सकते हो आप, ये अपनी 3M की जो टेप आती है डबल साइड वाली, ये निकलेगी और सिंपल ये अपना चिपक जाएगी यहाँ पे। अभी इसके ऊपर ये पेपर जो लगा हुआ है चिपक जाने दो, उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि क्या रिजल्ट आता है। सो ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टिक हो जाएगी इजीली, यहाँ पे करेंस लिखा हुआ मिलेगा और ये वायर वगैरह आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये पूरी कनेक्ट होगी आपस में। ये इल्यूमिनेशन वाले हैं, मतलब टोटली अगर बात करें तो इनके अंदर लाइट वगैरह जलेगी जब भी दरवाज़ा खुलेगा, तो यहाँ पर स्टिक हो रही है, वहाँ पर लगने वाली है। जब सिंपल देख सकते हो आपको, ज़्यादा एक्टिव प्रोसेस नहीं है ये, और यहीं पर देख लो आप, बस एक पोजीशनिंग सेट करनी है कि कहाँ पे सही लगेगी, बस वहाँ पे सेट कर देनी है, बाकी वायरिंग वगैरह होगी। अभी ये होगी, ये होगी, ये भी होगी और वो वाली रह रही है, जस्ट इनको कनेक्ट हो जाने देते हैं फिर दिखाते हैं कि किस तरह से चलती है और क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है। ये एंड में दिखाएंगे जब सारी गाड़ी के सिनेमैटिक लेंगे ना लास्ट में, तब दिखाएंगे। तो सीट्स कवर वगैरह भी हो ही जाने देते हैं अभी। अभी बारी आ चुकी है अपने रेन वाइजर्स की, और जो साइड में क्रोम स्ट्रिप्स लगती हैं वो सारी चीज़ों की बारी आ चुकी है यहाँ पे। ये है अपने रेन वाइजर्स और ये है अपनी क्रोम लाइंस और सीट कवर वगैरह भी आ चुके हैं, तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। 70 मैट्स वगैरह भी आ चुके हैं और यहाँ पे प्राइमर हो गया सेट।
सो ये देख सकते हो आप, ये गार्निश वाले हैं अपने, मतलब ये क्रोम लाइनिंग वाइजर्स के अंदर ही है। अभी इसके ऊपर जस्ट पोलोटेन चढ़ी हुई है, जिससे हट्टे के साथ यहाँ पे क्रोम की लाइनिंग्स आपको दिख जाएंगी। तो ये हो रही है धीरे धीरे इंस्टॉल, और ये छः पीस वाला है, मतलब कि एक दो और तीसरा वहाँ पे, तो तीन इधर तीन उधर की साइड, तो पूरी विंडो फ्रेम जो अपनी कम्प्लीट हो जाएगी। तो ये प्राइमर वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे भाई, काम है पूरा ये वैसा ही, मतलब कि होता तो है थोड़ी देर तक की चीज़ ऊपर नीचे ना लग जाए, बटन का डेली का काम भाई, इनके हाथ जमे हुए हैं। ये देखो ये लग चुके हैं यहाँ पे, ये हो गया सिंपल एक साइड का, अब ऐसे दूसरी साइड का भी है। और ये है वो 70 मैट, मतलब प्रॉपर ब्लैक एंड रेड पे पूरा ध्यान दिया है इसके पे, मतलब कि यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह भी आप देख सकते हो रेड कलर की हो रखी है, और पूरा वैसे जो फ्रेम अपना ब्लैक कलर का ही है, मतलब पूरी जो मेन जो थीम है वो ब्लैक एंड रेड की है, जो कि GT लाइन में आती है। तो ये है पूरा, और अब इनको इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये आए हैं इसके सीट कवर तैयार होके, ये आप देख सकते हो प्रॉपर, मतलब भाई मज़ेदार है एकदम, मतलब देख के लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी कि हाँ भाई ऐसा है कि भाई शोरूम से नहीं मिले, बहुत सही काम किया जिसने भी किया, और कलर थीम बहुत सही मैच की है। और ये जो टॉप वेरिएंट में आते हैं ना वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर ऐसे होल्स होते हैं, तो ये चीज़ों पे भी ध्यान दिया। और कुल मिला के अब इसकी फिनिशिंग देखनी है कैसी आती है निकल के, बाकी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, वीडियो में मे बी आपको जस्टिस ना हो रहा हो, बट रियल में काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो अभी इनकी फिट आने दो अच्छे तरीके से, जब बैठ जाते हैं सीट्स के ऊपर तब देखते हैं कि ये डिज़ाइन लगता कितना बेटर है उसके ऊपर, तो हो जाने दो एक बार तैयार। तो प्लान में थोड़ा चेंज हुआ भाई, जैसे कि अभी लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा कि स्टिचिंग वगैरह वाइट थी, सॉरी ब्लैक थी, बट कस्टमर को चाहिए थी रेड, मतलब जैसा कि स्टेयरिंग पर अपने रेड स्टिचिंग हुई है वैसी चाहिए थी, पूरी GT लाइन वाली फील चाहिए थी। तो इनमें पूरा टाइम लग गया, आप देख सकते हो सुबह आया था मैं यहाँ पे 9-10 के आसपास, और अभी ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, और अब जाके कवर आए हैं। तो भाई यही होता है कस्टम में, अगर आप जैसा अपना खुद कस्टम मेड कुछ करवाना चाहते हो तो ये चीज़ें होती हैं, तो सहूलियत रहती है ऐसा आफ्टर मार्केट अगर आप करवा लेते हो तो, आपके इच्छा अनुसार सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहीं पे देख लो आप, मतलब कस्टमर को स्टिचिंग पसंद नहीं थी तो ये सारी चीज़ें दोबारा से हुई हैं, तो ये है भाई फीडबैक। और अब इनको फिट हो जाना, तो फिर देखते हैं टोटली क्या प्रोफाइल निकल के आती है। और एक सेकेंड, और ये देख लो थोड़ी सी स्क्रीन पे, ये ऐसे चलती हैं इसका प्लेट्स वगैरह, कैरन लिख का आता है पूरा इस तरीके से। और अभी आप प्रिपेयर हो जाना ढंग से, फिर बात करेंगे अब। तो ये देख लो कुछ कुछ रेडी होने लगी हैं चीज़ें, और ये देख लो सही था डिसीजन वैसे ना, रेड स्टिचिंग का बढ़िया लग रही है यही, नाइस। अभी होने तैयार है ना धीरे धीरे, फिर टोटल प्रोफाइल देखते हैं कि सारी चीज़ें होने के बाद गाड़ी में क्या मज़ा बना है केबिन के अंदर। ऑलमोस्ट यहाँ पे शाम हो चुकी है, सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका है, बस अब थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ही आ रही है ये देख सकते हो आप। और ये गाड़ी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि अभी जस्ट ऊपर ऊपर हेड के सीट कवर्स वगैरह रह रहे हैं, तो सारी चीज़ें हो जाने देते हैं, फिर लास्ट में अभी आप इन्जॉय करो गाड़ी के फाइनल शॉट्स वगैरह जो भी हैं, और जैसे लगे बताना कमेंट्स में।
क्योंकि पूरा दिन कंज्यूम हुआ है इस गाड़ी के अंदर ही। और अभी बताना ही मिड लाइट वगैरह कैसी लगी, लाइट्स वगैरह कैसी हैं, सीट्स वगैरह का फिटिंग वगैरह जो कुछ भी है सारी चीज़ें बताना। और एंजॉय करो फाइनल।